दुर्गा आर्ट शाला में आपका स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एक और नया डिजाइन लेकर आई हूँ। ये एक कलर में डलता है फ्रेंड्स, और ये आप फ्रेंड्स बच्चों के स्वेटर में, गर्ल्स फ्रॉक में, टॉप में और लेडीज़ कार्डिगन में डाल सकते हैं। आइए फ्रेंड्स इसे स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने के लिए फ्रेंड्स हम सबसे फंदे डालकर सबसे पहले हम दो फंदे ऐसे सीधे बनाएंगे, फिर आगे धागा करके दो फंदे हम उल्टे बनाएंगे, फिर धागा पीछे करके हम चार फंदे फ्रेंड्स हम सीधे बनाएंगे। ये हमारी पहली सिलाई है। फिर आगे धागा करके दो फंदे हम ऐसे उल्टे बनाएंगे, फिर धागा पीछे करके चार फंदे हम सीधे बनाएंगे, फिर धागा आगे करके दो फंदे हम उल्टे बनाएंगे, फिर धागा पीछे करके चार फंदे हम सीधे बनाएंगे। ऐसे ही बनाते हुए फ्रेंड्स हम अपनी ये पूरी सिलाई निकाल लेंगे। चार फंदे सीधे और दो फंदे उल्टे, और दोनों साइड हमें फ्रेंड्स दो दो फंदे सीधे चाहिए। स्टार्टिंग में भी और लास्ट में भी दो दो फंदे हमें ये सीधे चाहिए। देखिए हमारी दोनों साइड दो फंदे सीधे इधर हैं और दो फंदे सीधे इधर हैं। दोनों साइड हमारे दो दो फंदे सीधे हैं। अब हम आ गए इसकी दूसरी सिलाई पे और उल्टी साइड है। उल्टी साइड में फ्रेंड्स हमें देखिए, जो हमने इधर सीधे बनाए थे, इधर से हम इनको ऐसे उल्टा बनाएंगे, और जो फंदे हमने इधर उल्टे बनाए थे, इनको हम धागा पीछे करके इधर से ऐसे सीधा बनाएंगे, फिर धागा आगे करके चार फंदे हम ये उल्टे बनाएंगे। जो हमने इधर सीधे बनाए थे, इधर से हमारे ये उल्टे बनेंगे, फिर धागा पीछे करके हम दो फंदे सीधे बनाएंगे, फिर धागा आगे करके चार फंदे हम उल्टे बनाएंगे, फिर धागा पीछे करके दो फंदे हम सीधे बनाएंगे। ऐसे ही बनाते हुए फ्रेंड्स हम ये सिलाई निकाल लेंगे, दो फंदे सीधे और चार फंदे उल्टे। देखिए अब हम आ गए हैं इसकी तीसरी सिलाई पर और हम सीधी साइड है। सीधी साइड में फ्रेंड्स देखना, हम पहले दो फंदे सीधे निकाल लेंगे, फिर आगे धागा करके दो फंदे हम ये उल्टे निकालेंगे। अब हम धागे को फ्रेंड्स इधर ही रहने देंगे, ये अपनी सीधी साइड ही, और इस सीधे वाले फंदे को हम ऐसे पलट कर इधर से हम इस धागे को यहीं पर रखते हुए इन दो फंदों का हम ऐसे पीछे की साइड से एक करेंगे, और यहाँ पर हमारा एक जाली डल जाएगी। देखिए हमारे एक फंदा यहाँ पर बढ़ गया है। अब इन दो आगे के सीधे फंदों को हम ऐसे दो का एक करेंगे, फिर आगे धागा करके यहाँ पर हम ऐसे धागा लपेटेंगे, और दो फंदे हम ऐसे उल्टे बनाएंगे। अब धागे को इधर ही रखते हुए हम इस फंदे को ऐसे पलटेंगे, और इन दो फंदों का हम एक करेंगे। जो हमारे ये चार फंदे सीधे हैं फ्रेंड्स, इसमें से हमने ये करना है, और दो फंदों को हम फिर घटा देंगे। अब आगे धागा करके यहाँ पर एक धागा हम ऐसे लपेटेंगे, इससे हमारा एक फंदा यहाँ पर बढ़ जाएगा, और दो फंदे हम उल्टे बनाएंगे। फिर हम इस फंदे को ऐसे पलट कर दो फंदों का एक करेंगे, और यहाँ पर हमारा ये फंदा बढ़ गया, फिर हम दो फंदों का एक करेंगे। आगे धागा करके धागा लपेटेंगे, और दो फंदे हम ऐसे उल्टे बनाएंगे। ये सिलाई फ्रेंड्स पूरी ऐसे ही निकालते हुए जाएंगे। फिर धागा पीछे करके हम दो फंदे सीधे बनाएंगे। अब हम आ गए इसकी चौथी सिलाई पर और उल्टी साइड। उल्टी साइड में भी फ्रेंड्स हमने वैसे ही करना है, जो फंदा हमें जैसा दिख रहा है उल्टे पर हम उल्टा बनाएंगे, और सीधे फंदे पर हम ऐसे सीधा बनाएंगे। दो फंदे सीधे, दो फंदे स्टार्टिंग में हमने उल्टे किए, फिर दो फंदे सीधे, चार फंदे उल्टे, दो फंदे सीधे। अब आगे धागा करके चार फंदे उल्टे,
फिर धागा पीछे करके दो फंदे सीधे ऐसे ही निकालते हुए ये सिलाई हम पूरी निकाल लेंगे। अब हम आ गए हैं इसकी सीधी साइड और हमारी ये पांचवी सिलाई है। इसमें फ्रेंड्स अब दोबारा फिर वही रिपीट करेंगे, दो फंदे हमारे सीधे जैसे हमने पहली सिलाई निकाली थी, दो फंदे उल्टे, फिर धागा पीछे करके चार फंदे सीधे, फिर धागा आगे करके दो फंदे उल्टे, फिर धागा पीछे करके चार फंदे सीधे, फिर धागा आगे करके दो फंदे ऐसे उल्टे, फिर धागा पीछे करके चार फंदे सीधे। अब हम उल्टी साइड आ गए हैं और हमारी ये छठी सिलाई है। इसमें भी फ्रेंड्स हम वैसे ही निकाल लेंगे, जो फंदा हमें जैसा दिखाई दे रहा है उल्टे पर उल्टा और सीधे पर सीधा। देखिए फ्रेंड्स हमने ये सिलाई निकाल ली, अब हम सीधी साइड आ गए हैं। जैसे हमने तीसरी सिलाई निकाली थी ऐसे ही हम दोबारा से वही रिपीट करेंगे, दो फंदे सीधे, फिर आगे धागा करके दो फंदे उल्टे, फिर धागा आगे ही रहने देंगे और इस फंदे को हम ऐसे पलटेंगे। यहाँ पर हम दो फंदों का एक करेंगे और यहाँ पर हमारी एक जाली डल जाएगी। फिर हम दो फंदों का एक करेंगे, फिर आगे धागा ले आकर यहाँ पर ऐसे हम एक धागा लपेट देंगे और दो फंदे हम ये उल्टे बनाएंगे। फिर हम इस फंदे को ऐसे पलटकर देखिए ऐसे दो फंदों का हम एक करेंगे और यहाँ पर हमारा एक फंदा ये बढ़ जाता है। फिर दो फंदों का एक करेंगे, फिर आगे धागा ले आके हम ऐसे एक फंदा लपेटेंगे, दो फंदे हम उल्टे बनाएंगे, फिर इस फंदे को पलट कर ऐसे एक कर देंगे और यहाँ पर एक धागा हमारा बढ़ गया है। अब हम दो फंदों का एक करेंगे, फिर आगे धागा ले आके ऐसे लपेटेंगे। ऐसे ही बनाते हुए फ्रेंड्स ये हमारा चार सिलाइयों का डिजाइन है। ऐसे ही बनाते हुए ये डिजाइन बढ़ता हुआ चला जाएगा और डालने में बहुत ही आसान है, देखने में बहुत ही सुंदर लगता है। इसे आप गर्ल्स टॉप में, गर्ल्स फ्रॉक में और लेडीज कार्डिगन में डालिए, ये बहुत ही अच्छा लग रहा है। देखिए देखने में भी सुंदर लग रहा है। थैंक यू फ्रेंड्स।